क्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हो जाइए तैयार, क्रिकेट के मैदान पर धमाका होगा जोरदार। एक दिन बाद आईपीएल के महासंग्राम में होगा विराट का यलगार। आईपीएल का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा, जिसके ठीक पहले आरसीबी के दो सबसे बड़े योद्धा विराट कोहली और एबी डिविलियर्स अपना क्वारंटाइन खत्म करने के बाद टीम के साथ जुड़ गए हैं। आईपीएल 14 के लिए विराट और एबी डिविलियर्स 1 अप्रैल को चेन्नई पहुंचे थे। आईपीएल से पहले विराट ने बायो बबल से ब्रेक लिया था और पिछले 7 दिन से अपने होटल के कमरे में क्वारंटाइन थे, जो आज सुबह खत्म हो गया। क्वारंटाइन खत्म होते ही विराट और उनके जिगरी दोस्त एबी डिविलियर्स सबसे पहले टीम के खिलाड़ियों और कॉन्टिंग स्टाफ से मिले। पिछले 1 हफ्ते से विराट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन अब बारी है क्रिकेट की सुपरहिट लीग में एक बार फिर धमाका करने की। वैसे भी विराट का दमदार फॉर्म विरोधी टीमों के लिए किसी वार्निंग से कम नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में विराट ने सबसे ज्यादा 115.50 की औसत से 231 रन बनाए। वनडे सीरीज में 43 की औसत से 129 रन बनाए। क्वारंटाइन खत्म होने से पहले विराट ने एक बड़ा ऐलान भी किया। विराट ने साफ किया है कि आरसीबी के अलावा वो किसी दूसरी फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। 13 सीजन मेहनत करने के बाद भी आरसीबी अपने पहले खिताब की तलाश में है और विराट को उम्मीद है कि वो तलाश इस सीजन जरूर खत्म होगी। 9 अप्रैल से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीग का आगाज हो रहा है और इंडिया टीवी पर हर रोज शाम 7 बजे मैच से पहले देखिए क्रिकेट धमाका खेलो दिमाग से, जिसमें संजय मंजरेकर, मुरली कार्तिक, आरपी सिंह, मनिंदर सिंह और अंजुम चोपड़ा बताएंगे मैच का एक्स फैक्टर। और मैच खत्म होने के बाद देखेंगे मैच का गेम चेंजर कौन होगा, हमारे एक्सपर्ट से जानिए। इंडिया टीवी डिजिटल के लिए वैभव भोला की रिपोर्ट। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।